राजस्थान के सलूम्बर में एक साथ तीन लेपर्ड कैद होने की इनसाइड स्टोरी। सलूम्बर शहर में कुछ समय पहले एक मादा तेंदुए का उसके दो शावकों के साथ लगातार मूवमेंट बना हुआ था। वहीं इन तेंदुओं का मूवमेंट शहर से सटे दो स्थानों पर लगातार होने से, जिसमें कब्रिस्तान और हाड़ी रानी कॉलेज के पीछे का एरिया शामिल था, वन विभाग के अनुसार शहर के लोगों में इससे काफी भय का माहौल था, जिसको देखते हुए उदयपुर टेरिटोरियल डिवीजन की टीम ने कब्रिस्तान में दो पिंजरे लगाए, जिसमें एक 7 से 8 माह का शावक आ गया। हालांकि माँ से बिछड़ने के बाद उसने पिंजरे में रखा भोजन नहीं खाया। इस पर टीम पिंजरे में कैद तेंदुए को पुनः उसी स्थान पर ले गई जहां शावक को पकड़ा था और साथ में दो पिंजरे और लगा दिए। इस पर दिनांक 28 अप्रैल 2023 को अल सुबह अन्य दो पिंजरों में भी तेंदुए कैद हो गए। इसके बाद पूरा लेपर्ड परिवार वन विभाग की कैद में था, जिससे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली। तेंदुओं को रेस्क्यू करने के बाद जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में उदयपुर टेरिटोरियल DFO श्री मुकेश सैनी के निर्देशन में श्री जितेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी व वन कर्मी लोकेश मीणा, उदय सिंह, कन्हैयालाल, नरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, वरदाराम, विष्णु प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। हाल ही में देखा गया है तेंदुए हैबिटेट लॉस होने के कारण मानव बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। कई तेंदुए आसान भोजन की तलाश में भी मानव बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं। ऐसे में ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ना वन्य जीव को खतरा हो, ना ही इंसानों को। वाइल्ड इंडिया न्यूज जल्द लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। धन्यवाद।